आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ NO2 गैस एंड O3 गैस इज फर्स्ट ऑर्डर इन NO2 एंड O3। तो आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का ऑर्डर हमको नहीं बताया, बस हमको इतना बोला गया है कि इस इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है इन रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू NO2 एंड फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू O3। ठीक है, इससे बन रहा है N2O5 और O2 बन रहा है। आपके पास यहाँ पे दो मैकेनिज्म दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास एक मैकेनिज्म P है जिसमें NO2 O3 रिएक्शन करके NO3 और O2 बना रहे हैं, फिर NO2 बन के N2O5 बना रहा है। उसके बाद जो सेकेंड मैकेनिज्म है, इसमें हमारा O बन रहा है, अब O रिएक्शन करके NO2 से NO3 बना रहा है, उसके बाद NO3 NO2 करके N2O5 बना रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आपके इसमें कितनी जो जो मैकेनिज्म है वो कौन सी सही है, P, Q या फिर दोनों। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि जो रेट हम लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू होता है के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ठीक है, अभी जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा ये मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है। ठीक है, इवन जनरली जनरली रिएक्टेंट का ही आता है, प्रोडक्ट का भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। रेट लॉ के अंदर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, रेट लॉ के अंदर हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। इवन कैटलिस्ट भी अगर रिएक्शन में यूज़ हो रहा है तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेट लॉ के अंदर। बट कभी भी अगर इंटरमीडिएट आ जाए, इंटरमीडिएट को आप कभी भी रेट लॉ के अंदर यूज़ नहीं करोगे। इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन कभी भी रेट लॉ के अंदर यूज़ नहीं होती है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं रिएक्शन की ऑर्डर या फिर रेट लॉ। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट बन गया बीच में कहीं पर भी तो रेट लॉ के अंदर, तो आप उसको रिप्लेस करोगे विद द हेल्प ऑफ अदर इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ अदर इक्विलिब्रियम स्टेप। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग पी मैकेनिज्म की। जो पी मैकेनिज्म है उसमें NO2 प्लस O3 ने बनाया NO3 प्लस O2, और ये हमारा स्लो स्टेप है जो कि RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में NO3 प्लस NO2, और ये भी फास्ट स्टेप है, N2O5 बना रहा है इस केस में। ठीक है, यहाँ पे जो स्लो स्टेप है वो हमारा RDS स्टेप है। तो इसके लिए जो हम लोग लिखते हैं पूरे, जो आपके पास इक्वेशन है उसको लिखने से पहले, उसका रेट लॉ लिखने से पहले, हम लोग रेट लॉ लिखते हैं RDS स्टेप का। और उसके बाद ये जो दो स्टेप हैं ये दोनों ही एलिमेंट्री होंगे, क्योंकि ये जब भी आप लिखते हो किसी की भी मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आप उस रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में तोड़ के लिख रहे हो। ये जो सारी जो आपके पास जो भी मैकेनिज्म इक्वेशन होती हैं सभी एलिमेंट्री होती हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम लोग मॉलिकुलरिटी डिफाइन करते हैं, और जो मॉलिकुलरिटी होती है वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है एलिमेंट्री के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं आराम से, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ हमारा हमेशा एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब आप इसका रेट लॉ लिख सकते हो किस तरह से, कि रेट इज इक्वल टू के, मान लीजिए इसका के, मैंने यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट के मान लेता हूँ, K1 मान लेता हूँ, बेटर होगा, सॉरी K1 यहाँ आएगा, उसके बाद NO2 और O3 ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये मैं भी लिख सकता हूँ अगर क्वेश्चन बोल देगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब क्वेश्चन नहीं बोलता एलिमेंट्री तो मैं ये नहीं लिख सकता। ठीक है, चलिए अब रेट इक्वल टू कितना हमारे पास, K1 NO2 और O3 है। अब हमको चाहिए ये करना है कि रेट लॉ के अंदर क्या कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जो मेन इक्वेशन है हमारी वो ये है, 2NO2 प्लस O3 गोज टू N2O5 प्लस O2। ठीक है, तो इस रेट लॉ के अंदर NO2 आया है जो कि रिएक्टेंट है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। O3 आया जो कि रिएक्टेंट है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कहीं पर भी और कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो रेट लॉ है ये हमारा वैलिड रेट लॉ है, इसके अंदर कहीं भी इंटरमीडिएट नहीं आया है। और कभी भी ऐसा हो कि रेट लॉ के अंदर कहीं इंटरमीडिएट ना आए, तो ये जो RDS का आपने रेट लॉ लिखा है यही इस इक्वेशन का रेट लॉ हो जाएगा, यही इक्वेशन का ऑर्डर बताएगा। ठीक है, ऑर्डर कितना आएगा यहाँ से निकल के, 2 आएगा इक्वेशन का ऑर्डर, इस इक्वेशन का ऑर्डर में निकल के कितना रहा है, 2 निकल के आ रहा है। और विद रेस्पेक्ट टू NO2 1 है, और विद रेस्पेक्ट टू O3 भी 1 है, जो हमको बोला गया था इक्वेशन में। तो मतलब P तो हमारी करेक्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए Q चेक कर लेते हैं। अभी जो Q आपके पास है वो है O3, जो आपके पास यहाँ पे K1 दिया हुआ है, सॉरी KA दिया हुआ है, ये हमको KB दिया हुआ है, ये स्टेप हमारा फास्ट है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है O2 प्लस O, ये हमारा फास्ट स्टेप है। उसके बाद जो NO2 प्लस O है, सॉरी NO2 और O है, ये बना रहे हैं NO3, ये हमारा स्टेप स्लो है।
उसके बाद NO3 प्लस NO2 मिलके बना रहे हैं N2O5। ये भी हमारा क्या है, फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे जो RDS होगा वो स्लो स्टेप हो जाएगा। स्लो स्टेप हमारे पास कौन सा है, ये वाला सेकेंड वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ हटा लेता हूँ यहाँ से। तो ये जो आपके पास स्लो स्टेप है, ये हमारा RDS है। इसके रेट लो क्या होगा, अभी रेट लो बनेगा इसका, ये मान लीजिए K2 हो गया, ये मान लीजिए K3 हो गया, ठीक है। तो K2 और NO2 और O, ये हमारे पास आ रहा है रेट लो, किसके लिए, RDS के लिए। अब अगर मैं इसको बोलूं कि यही रेट लो है रिएक्शन का, तो क्या सही होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ऐसा मतलब कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है जो इसमें कहीं पर भी नहीं है ना, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है O हमारा। इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ठीक है। आपको इसको यहाँ पे रखना नहीं है, तो ये हटाने के लिए आप यूज़ करोगे इस इक्वेशन को, ठीक है। जो K1 डिवाइड बाई KB जो होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं यहाँ से लिखूँ इस इक्वेशन के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला हो जाएगा उसका O2 O डिवाइडेड बाय O3, ठीक है। यहाँ से आप O निकाल सकते हो, अभी O निकाल के आएगा यहाँ से KA डिवाइड बाई KB इंटू O3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और O2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। ये हमारा बना है O, इस O को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो रेट जो आपके पास आएगी निकल के, वो बन जाएगी K2 इंटू KA डिवाइडेड बाई KB इंटू O3 डिवाइड बाई O2, और ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, NO2 हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा रेट लो आ चुका है। अब आप देख सकते हो जो O3 है इस रिएक्शन में, O3 रिएक्टेंट है, NO2 हमारे पास रिएक्टेंट है, जबकि O2 हमारे पास प्रोडक्ट है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारा इंटरमीडिएट निकल चुका है अभी। तो विद रिस्पेक्ट टू O3 वन है, विद रिस्पेक्ट टू NO2 हमारे पास कितना है, अगेन वन है, और विद रिस्पेक्ट टू O2, ठीक है, यहाँ ऑर्डर हमारा -1 निकल के आएगा, क्योंकि आप रेट लो को लिख सकते हो कुछ इस तरह से। इसको मैं बड़ा कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, एक कैपिटल के, O3 NO2 और O2 पावर -1, ये हमारा हो जाएगा रेट लो। यहाँ ऑर्डर निकल गया आएगा, ओवरऑल ऑर्डर जो निकल के आएगा रिएक्शन का, वो निकल के आएगा 1+1-1, तो 1 निकल गया आएगा। पहले केस में ऑर्डर 2 आ रहा था, दूसरे केस में ऑर्डर 1 आ रहा है, बट क्वेश्चन ने ऑर्डर की बात कहीं पर भी नहीं की है, बट ये बोला है कि इसके रेस्पेक्ट में 1 है, इसके रेस्पेक्ट में 1 है, जो कि इसमें भी हमारा वैलिड आ रहा है ये, ठीक है। तो ये भी हमारे मैकेनिज्म करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो पी एंड क्यू दोनों होंगे, थर्ड आपका आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।